Right now we are in Bhool Bhulaiya and it is impossible to not get lost here. Speaking about getting lost, didn't I tell you that Anam and I were totally lost in Bhool Bhulaiya? Let's check out how it went. This place has about 1000 exits and each of them lead to somewhere else. So like I had hard time locating the actual place, and this right here is one corridor, and I'll show you guys. This is the another, and then when you step inside this, there are a couple of more that take you to the different places, and it is, well, aap seriously kho jaoge yahan pe. Anam is very excited because we are finally lost and hume ab bahar jaane ka rasta nahi mil raha hai. So Bhool Bhulaiya makes for the entire structure of this complex of Bada Imambada, that is. And it is not only the place jo ki bahar bahar surrounded hai, but agar aap thoda sa aur iske aage ya piche jayenge to aapko yahan se जो रास्ते देखेंगे वो आपको मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी लेके जाएंगे. इन द स्मॉल लिटिल पाथवे यू कैन सी दैट, या तो यहाँ से आप मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे जो कि बिल्कुल ही नीचे है. सो वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग Bhool Bhulaiya एंड वी आर राइट वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम. सो वी आर जस्ट फिगरिंग आउट राइट नाउ कि हमें किस एग्जिट से बाहर जाना है और कौन सा एग्जिट हमें बाहर लेके जाएगा. एंड Also, there's this place where Anam is going. हमें नहीं पता वो कहाँ जाता है, but when we are here, तो क्यों नहीं? I think we have found the way because वहाँ पे कुछ लोग गाइड के साथ जा रहे थे, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया है. बट जब तक हमें रास्ता नहीं मिलता, we are not going to believe anybody क्योंकि किसी को नहीं पता है कि रास्ता कहाँ जाता है. We are still in Bhool Bhulaiya. Anam was few minutes back very happy that we were lost is now very tired kyunki hame bahar jane ka rasta nahi mil raha hai. Ab hum har ek dark staircase mein jaake dekh rahe hain, lekin rasta nahi hai, lekin hame rasta kahin nahi mil raha hai. Ab we are waiting ki agar idhar se koi agar hame koi dikhe to hum usko follow karke wahan se nikal jaye because we are very tired exploring the place now. वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि हम खो गए हैं. हाँ, ट्रू, क्योंकि इसके बाद पहले हर बार हम शायद गाइड के साथ आए थे, तो पहली बार हम अकेले आए और हमें लग रहा था हम खो क्यों नहीं रहे हैं. एंड नाउ दैट वी आर लॉस्ट, वी आर एक्चुअली लॉस्ट एंड वी आर एक्चुअली वेरी टायर्ड. आई कैच यू गाइज जब मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ. बट वी आर फाइनली आउट, बट वी कुडंट फाइंड द पाथ. हम अंदर का रास्ता हमें नहीं मिला, हमें गाइड को दिखाना था कि ढूंढ लिया, लेकिन हमें अंदर का रास्ता नहीं मिला. नाउ वी आर एट द टेरेस. हाँ, सिंस वी डिड नॉट डू अ गाइड, उसने हमें रास्ता नहीं बताया. सो अनम इज पिस्ड. सो यस, दिस इज व्हाट हैपेंड. बट फाइनली द प्लेस वॉज गेटिंग सफोकेटिंग एक्चुअली. वो प्लेस बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हमारे लिए हो गई थी, बट फाइनली वी आर आउट. Bhool Bhulaiya एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू गो डाउन एंड एक्सप्लोर द सेंट्रल हॉल, विच बाय द वे आपको जान के बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल हॉल्स इन द वर्ल्ड, जो बिना बीम के बना है. और इस हॉल के सेंटर में नवाब आसफुद्दौला की कब्र भी है. सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा ही नहीं, बड़े इमामबाड़े से 2 किलोमीटर और आगे जाके एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको छोटा इमामबाड़ा कहा जाता है. ये इमामबाड़ा थोड़ा थोड़ा ताजमहल जैसा दिखने में तो है ही, और ब्यूटीफुल अरेबिक कैलीग्राफी इसके वॉल पे इसको और भी बहुत खूबसूरत बना देती है. और सिर्फ बाहर से नहीं, ये अंदर से भी उतना ही ब्यूटीफुल लगता है. हाय गाइस, सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग बड़ा इमामबाड़ा वी वेंट टू छोटा इमामबाड़ा, बट सैडली फोटोग्राफी वॉजेंट अलाउड देयर. एंड इट इज़ ऑल्सो सैड दैट कुछ लोगों ने वो प्लेस बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया, तो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ गाइड, दे लाइक आस्क यू एंड दे टेल यू एंड कमांड यू दैट यू कैन नॉट क्लिक फोटोज़ देयर. सो आई वॉजेंट एबल टू गेट अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स फ्रॉम देयर. एंड नाउ आफ्टर छोटा इमामबाड़ा हियर इज़ अ पिक्चर गैलरी वेयर वी आर राइट नाउ, एंड
and you can see the clock tower behind me. So this whole complex they have made for a heritage walk kind of a place where you can book a tonga, but I personally don't. I feel that that is kind of a cruelty to animals, so I did not get a tonga. Also take e-rickshaw. Also, before ending this video, before ending the Lucknow vlog, I want to tell you guys that there is a 50 rupees ticket for an Indian citizen. I don't know about the foreigners, but there is 50 rupees ticket for an Indian citizen which covers your Bada Imambada, your Chota Imambara, your clock tower picture gallery, and the entire tourism spots that are here. That was it for Lucknow cultural walk. I hope you guys liked the video, so please comment, share and subscribe to my channel.